लव गुरु के साथ है रेडियो सिटी पर। बात करना चाहते हैं अगर आप लाइव मुझसे, तो शेयर करिए अपना नंबर, टाइप करें LUV एक स्पेस देकर अपना मैसेज, फिर अपना नाम लिखें और भेजें इस मैसेज को 57272 पर। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर एक कॉलर है, आइए बात करते हैं उनसे। प्रॉब्लम ये है कि मेरे पीछे एक लड़का पड़ा हुआ है, वो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए मैं धन भी दे सकता हूँ, मैं उसको मना करती हूँ कि मेरे लाइफ में कोई और है और वो नहीं मान रहा। वो मेरे पीछे पड़ा है, वो हमेशा बोलता है कि मैं तुम्हें अपना जान दे दूंगा, मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगी, तो बताइए मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। जैसा आपने अपने सवाल में बताया कि आप किसी लड़के के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, पर कोई एक और लड़का है जो आपको ये कहता है कि वो आपसे बहुत प्यार करता है और अगर आप उसकी नहीं हुई तो वो अपनी जान दे देगा। देखिए, ये सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल है और मैं इसको बिल्कुल भी किसी और कैटेगरी में नहीं डालूंगा, और किसी भी ऐसे ब्लैकमेल को वैसे ही ट्रीट किया जाना चाहिए जैसे कि मे बी कानूनी दस्तावेजों में है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप उस लड़के को अपनी तरफ से समझा रही हैं, वो लड़का नहीं मान रहा है, दूरी बनाइए और बिल्कुल एंटरटेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान किसी भी तरीके से थ्रेट है आपके लिए, तो अपने घर में इस बारे में इन्फॉर्म कीजिए ताकि पुलिस अथॉरिटीज को इस बारे में सूचित किया जा सके। देखिए, जब जिंदगी में चीजें आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाती हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि अब आप कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में, तो ऐसे समय पर ही आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प लेनी होती है, ऐसे समय पर ही बड़ों से इस बारे में बात करनी होती है। तो बात करिए, हिचकिचाइए मत। आप डायरेक्टली जाकर एक कंप्लेन भी करना चाहती हैं तो अनोनिमस रहकर आप कंप्लेन भी कर सकती हैं उस इंसान के खिलाफ, बट एक क्लियर सी वार्निंग जरूर दे दीजिए, कुछ सबूत वगैरह भी रखिएगा ताकि कल को वो काम आ सके। बट ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपनी तरह से अवॉइड करिए एंड उन्हें क्लियरली ये चीज बोल दीजिए कि अगर वो तुरंत नहीं रुके तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज वो ठीक नहीं होंगे, मे बी वो इंसान समझ जाए, और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो उनके लिए परेशानियां बढ़ेंगी। देखिए, इतना तो क्लियरली तय है कि वो इंसान प्यार को नहीं समझता, प्यार की अहमियत नहीं समझता, वरना शायद इस बात को समझ पाता कि अगर एक लड़की बोल रही है कि वो कमिटेड है किसी और से तो उन्हें वो परेशान ना करे। तो आप इस तरीके के स्टेप बाय स्टेप चीजें करिए, होपफुली सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी। गो अहेड। कोई सवाल है अगर आपका भी तो कॉल करिए मुझे, नंबर है 01166919191।